हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है और हम अपने गार्डन में हैं। ये हमारा गार्डन, इसमें फूल खिल रहे हैं। ये देखिए, खराब हो चुका है फूल, इसको हटा देंगे। यहाँ से हम इसको काट देंगे। काफ़ी बड़ा गुलाब का फूल होता है इस पौधे में। ये हमारी तुलसी है, देखिए कितनी घनी है। अभी आप अपने गार्डन में कोई कटिंग वटिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि मौसम बहुत ही ठंडा है। ऐसे पिंचिंग करना, कटिंग करना ज़रूरी नहीं है, करिए ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। ना करिए तो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इस मौसम में कटिंग करने से उसमें तुरंत ही नए ब्रांच नहीं आते हैं, देर से आते हैं, ना के बराबर आते हैं। ये समय जो होता है पौधों को भी आराम करने का समय होता है। मौसम के बारे फूल कितने ज़्यादा खिले हैं, बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं, काफ़ी सुंदर फूल हैं। मगर तुलसियों की फूलों की कटिंग ज़रूर कर देना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि देखिए ये जो मंजीर निकलती हैं ये जो है पौधों को कमज़ोर कर देती हैं, तुलसी के पौधों को। तो इसको आप निकाल देंगे तो पौधा अच्छी तरह ग्रो करेगा, इसकी वजह से पौधे ग्रो नहीं कर पाते हैं। देखिए हमारे गार्डन में ज़्यादा हो गए हैं तुलसी के पौधे, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। ये हमारी धनिया है, आज हमने इसमें लहसुन लगाया है। लहसुन का पौधा है, इसके बाद ये धनिया कितनी ज़्यादा हरी भरी हो चुकी है। ये धनिया आप देखिए, इसको दीपावली के बाद में हमने लगाया था, काफ़ी अच्छी तरह ग्रो कर रही है। धनिया लगा है, ये भी धनिया है। यहाँ भी हमने लहसुन लगाया है, ये हमारा गार्डन। देखिए हमें बैंगन इस पौधे में भी फिर से लगना शुरू हो गया है पौधा, बैंगन के पौधे में बैंगन आना। बैंगन काफ़ी अच्छा है, अभी हमारे गार्डन में कुछ नया नहीं है क्योंकि हम सर्दी के जो फूल होते हैं वो हम अपने गार्डन में अबकी बार नहीं लगाए हैं। यही सब पुराने पौधे ही हमारे गार्डन में हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।